नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोग का इस वीडियो में। आज हम वेब डिजाइनिंग की एक महत्वपूर्ण टेक्निक सीएसएस के बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने फुल स्टैक डेवलपर की सीरीज को स्टार्ट किया है और एचटीएमएल को डे वन से लेकर डे 12 तक की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया गया है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सीएसएस। जैसा कि आप जानते हैं कि HTML हमें वेब पेज की का स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है वो, लेकिन CSS उस वेब पेज को एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन और लेआउट प्रदान करता है। ठीक है, तो अब हम लेआउट की बात करेंगे। ये वह तकनीक है जो किसी वेबसाइट के कलर, साइज और उसके जो स्टाइल होता है उसमें कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपर का, इसमें जो हमारा सीएसएस का जो कोर्स है उसमें हम सीएसएस का बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंसेप्ट वो सब कुछ सीखेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट को, बॉर्डर्स को, बैकग्राउंड को और एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिंपल से वेब पेज को आप एक प्रोफेशनल डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है सीएसएस की। तो यदि आपने अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप HTML के लिए आई बटन पर जो आपको लिंक मिल रहा है या प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा कम्पलीटली, उसको आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम बताते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे हम फर्स्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट डे में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। HTML की जो वीडियो आई थी उससे पहले ही मैंने कॉन्फ़िगर करना बताया था। तो सिंपल आज मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। तो यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर में जाऊंगा और ओपन फोल्डर में जाके डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लूंगा कैंडिडेट। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं सीएसएस के नाम से। ठीक है, सीएसएस का नाम बनाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा सीएसएस का फोल्डर आ गया। ठीक है, सीएसएस के फोल्डर में पहला हम जो है एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल जो है यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डे वन लिखेंगे। ठीक है, और डे वन डॉट HTML के नाम से ये फाइल सेव होगी या .stm के नाम से सेव हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल आ गई है और इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो, क्योंकि हम CSS को सीख रहे हैं, ठीक है, तो CSS को सीखने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी को भी कवर कर लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी को कवर करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि CSS का जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाट इज CSS। तो CSS की बात कर लेते हैं कि CSS होता क्या है। तो अगर हम CSS की बात करें तो CSS का फुल नेम है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सेकंड है कि CSS करता क्या है। तो CSS डिस्क्राइब करता है हाउ टू HTML की जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, या फिर आप पेपर जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे, और इन अदर मीडिया। अदर मीडिया का मतलब है कि जैसे फोन पर या फिर आप टैबलेट पर। तो CSS ये डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करेगा कि आप जो है कि जो HTML के एलिमेंट हैं वो कैसे डिस्प्ले होंगे, उनका कलर क्या होगा, उनका उनकी फॉर्मेटिंग क्या होगी। तो यहाँ पर हम CSS के थ्रू ये सब करेंगे। थर्ड पॉइंट ये होता है कैंडिडेट कि CSS आपका क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेव्स करता है ए लॉट ऑफ वर्क। लॉट ऑफ वर्क को सेव करता है कैसे, इट कैन कंट्रोल। ये क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि कैंडिडेट के ये CSS क्या करता है, ये आपका काफी सारा समय बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको आगे भी समझेंगे कि ये कंट्रोल कर सकता है पूरे पूरे स्ट्रक्चर को, लेआउट को, मल्टीपल पेजेस को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। कि आपके पास अगर 10 वेब पेज हैं, 10 वेब पेजेस हैं, और वो वेब पेजेस आपके आपको लगता है कि उनके अंदर सब हेडिंग का कलर एक जैसा करना है, सेम करना है, या फिर आप हेडिंग्स में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, उसका साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर एक साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर CSS क्या करता है, सेव्स करता है लॉट ऑफ वर्क को। आपका जो बहुत सारा वर्क था जो अलग अलग पेजेस पे आगे आपको करना था वो सबको सेव कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट बनेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अगर आप यूज कर रहे हैं आर स्टोर्ड
इन CSS फाइल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भारी एक्सटेंडर लगाई जाती है, यानी आप ये चाहते हैं कि HTML का जो आपका जो आपने कोड लिखा है उसमें CSS को इंक्लूड ना करके आप एक अलग फाइल बना लें, उसके लिए भी हम सीखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जो है लगाते हैं तो वो इस फाइल में स्टोर होती है, वो CSS फाइल्स में स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप CSS से क्या कर सकते हैं, तो CSS इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस, योर वेब पेजेस। तो देखिए ये एक काम होता है इंपॉर्टेंट, कि CSS क्या करता है कि डिफाइन करता है स्टाइल्स को आपके वेब पेजेस में, जैसे कि वेब पेजेस में डिफाइन करता है स्टाइल को, उसमें इंक्लूडिंग इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन कर सकते हैं इंक्लूड, देन आप डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप लेआउट आप कर सकते हैं, लेआउट कंप्लीटली, एंड वेरिएशन, वेरिएशंस इन डिस्प्ले, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, आप डिफरेंट डिवाइसेस के जो उनके अकॉर्डिंग है उसकी स्क्रीन के साइज को आप के अकॉर्डिंग ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिव जिसको बोलते हैं, आपने अगर कोई स्ट्रक्चर को तैयार किया है और उस स्ट्रक्चर को आपने तैयार किया है कहाँ के लिए, लैपटॉप के लिए, तो अगर कोई उसको मोबाइल में यूज करेगा तो उसको आप जो है इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि मोबाइल में प्रॉपर कंटेंट दिखे, जो HTML के अंदर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अब CSS हमारे जो CSS ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो CSS सॉल्व क्या किया, ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो पहला तो CSS में हम देखें तो HTML वाज क्या था, HTML नेवर, जो नहीं कर सकता था कभी भी, इंटेंडेड, ठीक है, इंटेंडेड टू कंटेन टेक्स फॉर फॉर्मेटिंग ए वेब पेज। तो आप देख पाएंगे कि जो फॉर्मेटिंग के लिए आपको टैग यूज करने थे वो फैसिलिटी इसके अंदर नहीं थी HTML के अंदर, ठीक है। तो बट इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है, ये CSS के अंदर है। तो CSS ने क्या किया, एक तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि जो HTML के अंदर जो प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो टैग थे फॉर्मेटिंग के लिए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकें, ठीक है। जैसे फोन टैग था, फोन टैग इतना पॉपुलर नहीं था, उसमें गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग एक एक प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है कि आपको HTML जो क्रिएट किया गया था वाज क्रिएटेड टू डिस्क्राइब, ठीक है, द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। तो जो HTML था उसका मेन रोल ये था कि जो कंटेंट वेब पेज पर कैसे डाले, डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे क्या टैग थे, आपने देखा H1 टैग था, हेडिंग के लिए हम यूज करते थे और हेडिंग, और उसके बाद कैंडिडेट नेक्स्ट टैग, जैसे पैराग्राफ एक टैग था, पी टैग था उसके लिए पैराग्राफ के लिए, तो फॉर पैराग्राफ, ठीक है। ये जो टैग हमें मिले थे इन टैग के थ्रू आप क्या करते थे कि जो डिस्क्राइब करते थे कंटेंट, कंटेंट कैसा होगा, मतलब कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, और उसका साइज क्या होगा। बट इससे भी ज्यादा CSS ने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि इसमें कौन सा कलर होगा, अट्रैक्टिव कलर आप डाल सकते हैं, उसका डिजाइन दे सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन पर आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ। और सेकंड जो एक अनदर थिंग है इसने क्या सॉल्व किया है कि जब आप टैग का यूज करते हैं, व्हेन टैग लाइक, जैसे फोन का एक टैग था, ठीक है, फोन टैग है, तो जो फोन टैग है तो इस फोन के टैग को, इसमें कलर की प्रॉपर्टी थी कि आप इसमें कलर लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट था, ठीक है, जो एडिट किया गया था वर एडिड टू द एसेंस का जो है शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो स्टार्टेड वो था, इसका स्टार्टेड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब एक बुरा अनुभव था इसका, ठीक है, नाइटमेयर और वेब डेवलपर जो इसको डेवलप करते थे उसको, उनको लिए एक बड़ा बुरा अनुभव था, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटी इसके अंदर तब भी नहीं थी कि बस इसमें कलर 3.2 में आ गए
नॉर्मली पहले ब्लैक चलता था, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसने क्या किया है कि स्टाइल की अगर हम बात करें तो स्टाइल इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो अब हम, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरी कंसेप्ट को भी समझना जरूरी कि क्यों हम CSS यूज कर रहे हैं। कल तो HTML से भी काम रहा था, बट अब हम देखेंगे कि देखिए CSS का सबसे पहले आपको सिंटैक्स समझ में आना चाहिए। CSS का हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, CSS सिंटैक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। अब जब CSS का स्ट्रक्चर की बात आएगी तो देखिए CSS का स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्टर यूज करना है। सेलेक्टर, ये कर्ली ब्रेसिस ओपन करने, कर्ली ब्रेसिस को क्लोज करना है, ठीक है। ये आ गया सेलेक्टर, अब हम सेलेक्टर को भी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद आप लगाएंगे सेमी कॉलन। तो देखिए सबसे पहले क्या, सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसिस को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसिस को करेंगे क्लोज, प्रॉपर्टी लिखेंगे, और प्रॉपर्टी को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और फिर वैल्यू देंगे। अब सबसे पहले सेलेक्टर की बात करते हैं, तो सेलेक्टर क्या होता है, तो सेलेक्टर होता है कैंडिडेट, सेलेक्टर किसको बोलेंगे, जो टारगेट टैग्स है, जिन टैग को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट और एलिमेंट्स जिसको बोल सकते हैं। तो कौन कौन से टैग को आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट कर सकते हैं, जैसे आप पी टैग को कर लीजिए पैराग्राफ के लिए, या फिर आप मार्क को कर लीजिए, या आप कर लीजिए हेडिंग को कर लीजिए। तो जितने भी टैग अवेलेबल हैं उनको बोलते हैं सेलेक्टर। ये कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप इसमें, एक तो होता है कि आप एलिमेंट यूज कर लें, डायरेक्टली आप टैग को यूज कर लें, ठीक है, अभी हम इसको भी करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सेकंड है कि आप इसको कर लें एलिमेंट को, सेकंड आईडी एक उनको दे दें, या फिर आप एक क्लास दे दें। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं सेलेक्टर्स को कंट्रोल करना। सेलेक्टर का मतलब है कि जिस पर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात आती है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज का मतलब कि आप डिफाइन करेंगे कि आप क्या चीज अप्लाई करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप डिफाइन करेंगे कि आप क्या चीज अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉन्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉन्ट एक प्रॉपर्टी है, यानी टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल पी एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पैराग्राफ में कलर हो सकता है ना, और कलर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कलर हो सकता है, उसका जो है मोशन हो सकता है। तो ये सब क्या चीज है, ये सब है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखेंगे किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, फिर उसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू फॉर एग्जांपल कि उसका साइज क्या है, साइज बताएंगे, और उसका विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी वैल्यूज होंगी। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, और मैं अब फर्स्ट जो है एग्जाम्पल बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बनाने के लिए सबसे पहले आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, क्योंकि आपको HTML के टैगों पर ही अप्लाई करना है, और अगर आपको HTML नहीं आता तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन करता हूँ HTML, इसके अंदर आपका हेड टैग आएगा, और हेड के अंदर आपका आएगा टाइटल, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं कंप्लीटली, बॉडी और बॉडी को क्लोज। अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, देखिए फॉर्मेटिंग करने के लिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करें, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप एक स्टैंडर्ड वे में सिखा रहा हूँ। तो ऑल्ट शिफ्ट और एफ का आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कैंडिडेट, ये हो जाएगा आपके सामने स्ट्रक्चर्ड ऑटोमेटिकली। टाइटल में मैं लिख देता हूँ CSS डे वन, ठीक है, CSS और डे वन, ठीक है, ये CSS डे वन आ गया। अब हम इसको रन करा लेते, गो लाइव पर क्लिक करेंगे, और गो लाइव पर रन क्लिक करने के बाद ये देखिए रन होके आ गया। अब थोड़ा सा इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि सेट हो जाए। देखिए यहाँ जो भी हम कोड को लिखेंगे, मैंने इस तरीके से इसको कॉन्फिगर किया है कि ऑटोमेटिक सेव होगा और यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब जो हमने टाइटल में लिखा है, जैसा कि आपको बताया कि टाइटल में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो कहाँ पर दिखाई देता है, वो यहाँ पर दिखाई देता है CSS डे वन, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। अब जितना भी हमें यहाँ पर काम करना है उसके लिए बॉडी टैग में आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं पी टैग, और इसमें लिख देते हैं टूडे इज माई फर्स्ट CSS क्लास, ठीक है, ये लिख लिया। ओके, जो चीज हमने यहाँ पे लिखी वो यहाँ पर आ गई।
तो इतना काम तो ये क्या है, ये है HTML का काम, बट अब हम इस पे CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। और CSS अप्लाई करेंगे वो भी इंटरनल CSS, अभी हम ये भी जानेंगे कि CSS को कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको इंटरनल CSS बता रहा हूँ। तो इंटरनल CSS के लिए आपको हेड सेक्शन में आना है, हेड के अंदर आपको स्टाइल टैग यूज करना है, स्टाइल टैग, ओपन स्टाइल टैग, इसका मतलब वेब ब्राउजर को ये पता चलेगा कि इस पर CSS अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको हेड सेक्शन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने क्या सिंटैक्स सीखा था, तो सिंटैक्स को पहले देख लेते हैं। सिंटैक्स को क्या देखा था हमने, सिंटैक्स तो देखा था कि आपको सिलेक्टर सबसे पहले यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्टर, ठीक, सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके बाद आपको क्या यूज करना था, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ये आपने ये दे दिया, ये इसका सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के बेस पे ही हम काम करेंगे। तो सिलेक्टर क्या है, पहले हमारा पी, पी क्या है कैंडिडेट, पी है आपका वो टैग जहां पर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पी हो गया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर अब हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। तो कैंडिडेट इससे पहले हम इसको जो है सिंटैक्स को कमेंट में डाल देते हैं, जिससे कि वेब ब्राउजर पर सोना हो। तो कमेंट में डालने के लिए आपको पता है किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारा सिंटैक्स में आ गया, ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, कमेंट में आ गया, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब हम पी पर अप्लाई करेंगे, पी पर अप्लाई करेंगे, तो पी पर इसको जो है क्या चीज अप्लाई करेंगे, पी क्या हमारा क्या है, पी है हमारा सेलेक्टर जिस पर हमें अप्लाई करना है। पी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर, तो कलर लिखेंगे, कलर हमारी प्रॉपर्टी है, उसका कलर देखिए मल्टीपल कलर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू अप्लाई करता हूँ और ये सेमी कॉलन आप लगा देंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं इसका कलर अप्लाई हो गया ब्लू। तो ये पहली चीज इसमें क्या है, पहला तो इसमें आपने सिलेक्टर किस पर आपको अप्लाई करना है, सेकंड थिंग है आपकी की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कलर नाम की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू आपने दे दी, ये एक हो गया कि आपने, ठीक है, इसको आपने अप्लाई कर दिया। सेकंड, अब हम इसी पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसको अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में वही कि आप कॉलन देंगे और उसका साइज मान लीजिए 16 पिक्सल हम इसका करना चाहते हैं। तो अभी आप देखिए, ये देखिए 16 पिक्सल, ये हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 20 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये देखिए आप साइज इसका ऑटोमेटिकली बढ़ गया, फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया साइज। अब नेक्स्ट है कि आप इसमें बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड आप लिख दीजिए, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है मान लीजिए येलो, आप अप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या देख पा रहे हैं इसमें येलो अप्लाई हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट डे था, और इसमें हमने सीखा कि CSS क्या है, ठीक है, और हम CSS से हमारा क्या बेनिफिट है, क्यों हम CSS यूज करना चाहते हैं, और CSS का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये हमने सीखा। और स्टेप बाय स्टेप हमने एक प्रैक्टिकल बनाया, ठीक है, प्रैक्टिकल बनाया जिसमें हमने देखा कि CSS की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कैंडिडेट, उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप कौन कौन से एलिमेंट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब CSS को कैसे और तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर जो आपको शो हो रहा है उस पर आप हमें क्वेरी भी कर सकते हैं। और यदि आप फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बैचेस जो है ऑपरेट होता है, कि अप्रेंटिसशिप बैचेस है, समर ट्रेनिंग है, विंटर ट्रेनिंग है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, या आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप वेलकम है, आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।